हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम यहाँ जैम की दो डिटेल के बारे में बात करेंगे। पहली ये कि प्रोडक्ट को सर्च करने का सही तरीका क्या है, ठीक है। दूसरा ये कि जब आप जैम पे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर देने के बाद आपको पता चलता है कि जो सेलर है वो हमारे स्टेट का ना होकर के किसी अदर स्टेट का है, दूसरे राज्य का है। और अगर आपका सामान बहुत महंगा है, बड़ा सामान है, तब तो वो डिलीवर हो जाता है किसी भी स्टेट से हो। लेकिन कई बार क्या होता है, वो छोटे छोटे सामान होते हैं, 500 रुपये के, 1000 रुपये के, 1500 रुपये के, 2000 रुपये का सामान है, और वो आपने ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद आपको पता चला कि ये तो बहुत ही दूर का सेलर है, दूसरे राज्य का सेलर है, जहाँ से डिस्पैच होने में प्रॉब्लम होगी या उसकी कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि सेलर खुद ब खुद या तो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो क्या होता है, 48 आवर्स के अंदर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। और कई बार होता है कि सेलर एक्सेप्ट तो कर लेगा लेकिन बाद में क्या होगा, वो उसको कैंसिल कर देगा ये सोच करके कि इसमें घाटा हो जाएगा, इसको इतना दूर भेजना है, तो वो नहीं भेज पाता है। तो ये सिचुएशन वैसे कम आती है, लेकिन जो है सिचुएशन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आ जाती है। हमें पता नहीं होता कि सेलर जो है, हम जिसको ऑर्डर दे रहे हैं, वो कहाँ का है या डिलीवरी लोकेशन क्या है, वो कहाँ डिलीवर करेगा। तो ये दोनों चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं, हम प्रोडक्ट सर्च करने का तरीका देखते हैं, जो बढ़िया जो बेस्ट तरीका है वो। तो फॉर एग्जांपल हम कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए मैं एक स्मार्ट टीवी सर्च करके दिखाता हूं आपको, स्मार्ट टीवी। अब यहां पे स्मार्ट टीवी जैसे यहां सर्च बार में लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, सीधा अगर आप एंटर मार देते हैं, एंटर कर देते हैं या यहां पे क्लिक कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट तो आ जाएगा। जैसे मैंने अभी एंटर कर दिया, यहां पे आपका प्रोडक्ट तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है फ़िल्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सारा प्रोडक्ट आ जाएगा लेकिन आपको फ़िल्टर नहीं मिलेगा, मतलब आपको क्या मॉडल चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्या स्क्रीन चाहिए, वो सब आपको यहाँ नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए जब आपको इस तरह की विंडो खुले, आपने यहाँ सामान सर्च किया और यहाँ पर इस तरह से पेज खुले, तो यहाँ पर आप देखिए पहले जो आपने स्मार्ट टीवी सर्च किया वो क्या इसके अंदर है। अगर यहाँ है, देखिए यहाँ टेलीविज़न है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मुझे प्रॉपर, मतलब कि जैम के द्वारा जो बनाई गई कैटेगरी है उस पर क्लिक करने के बाद क्या होता है कि मुझे प्रॉपर एक फ़िल्टर मिल जाता है। यहाँ पे देखिए फ़िल्टर मिल चुका है मुझे, ये देखिए ये सारा फ़िल्टर मिल चुका है। यहाँ पे मैं अपना जो है स्पेसिफिकेशन अपने हिसाब से चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे इस स्मार्ट टीवी में क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है प्रोडक्ट दिखाया जाएगा। पहली चीज़ ये हो गई। दोबारा मैं डैशबोर्ड पर जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जब हम सर्च करते हैं तो मान लीजिए मैं यहाँ पे दोबारा से कुछ सर्च करता हूँ, मान लीजिए प्रोजेक्टर। तो देखिए यहाँ पे जब प्रोजेक्टर हम सर्च कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्टर स्क्रीन और ये कैटेगरी जो बनी हुई है जैम के द्वारा यहाँ पे आ रही है। तो मुझे इन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे डायरेक्ट फ़िल्टर मिल जाएगा, लेकिन ना कि यहाँ पे एंटर मारूँ या यहाँ से सर्च करूँ। यहाँ से सर्च नहीं करना आपको, यहाँ पे आपको देखना है कि आपका सामान इसमें आ रहा है कहीं। अगर आ रहा है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, अगर यहाँ नहीं आ रहा तब आप एंटर मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ आ रहा है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, जैसे मुझे ये चाहिए, ठीक है, मल्टी मीडिया, मुझे प्रोजेक्टर स्क्रीन नहीं चाहिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे पूरा फ़िल्टर मिल जाएगा। और उस फ़िल्टर से मैं जो है इस सामान को मैं आसानी से जो है मुझे क्या चाहिए वो मैं यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ। तो ये हो गई आपकी पहली बात। दूसरी चीज़, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो मैंने दूसरी प्रॉब्लम बताई थी कि सेलर कौन है, कहाँ का है, क्या डिलीवरी लोकेशन है, उसके बारे में। तो दोस्तों मान लो मैं यहाँ पे फिर से वही सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी चीज़, मान लिया स्मार्ट टीवी ले लेते हैं, स्मार्ट टीवी। ये सर्च करने के बाद तो यहाँ देखिए ये हमारा फ़िल्टर के हिसाब से खुल गया, यहाँ पर फ़िल्टर भी मुझे मिल गया। अब क्या है, ये कौन सेलर है, कहाँ का है, ये तो हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो वही प्रोडक्ट आएगा जो मेरे लोकेशन के हिसाब से सेट होगा, मतलब कि मेरे लोकेशन के हिसाब से डिलीवरी में आसानी होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपको जाना है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें जाने के बाद आपको यहाँ सेलेक्ट कंजाइनी करना है। तो यहाँ पर आप जब कंजाइनी सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आप अपना नाम सेलेक्ट करेंगे जिस नाम से आपका जैम अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम सेलेक्ट करना है और यहाँ क्वांटिटी डाल देनी है, जैसे कि मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ, दो क्वांटिटी डाल देते हैं। दो क्वांटिटी डालने के बाद आपको यहाँ सर्च कर देना है। जब आप सर्च करेंगे तो क्या होगा कि आपकी क्वांटिटी और आपकी लोकेशन के हिसाब से
ये आपको प्रोडक्ट जो यहाँ दिखाएगा वो वही प्रोडक्ट दिखाएगा जो आपके लोकेशन के हिसाब से सेट हो, मतलब सेलर वही होगा जो आपके स्टेट में आपके लोकेशन पे आसानी से डिलीवरी कर सके। 98% आपको यहाँ पे ऐसे ही सेलर मिलेंगे। 2% सेलर आपको ऐसे भी मिलेंगे जो अदर स्टेट के होंगे, लेकिन वो ऐसे सेलर होंगे जो इस प्रोडक्ट को आपको डिलीवर करवा देंगे किसी ना किसी तरह से, आपके इस प्रोडक्ट को वो डिलीवर करवाते होंगे। ये उनका काम है कैसे करवाएं, लेकिन वो करवाएंगे क्योंकि आपने यहाँ फिल्टर लगा दिया है, आपकी लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से सर्च करते हैं तो मान लीजिए अब मुझे ये पसंद आया और मुझे ये परचेज़ करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ नई विंडो में इसको खोल दिया। इसको खोलने के बाद देखिए ये है, ये दो क्वांटिटी दो है इसमें। ठीक है, दो क्वांटिटी हमने सेलेक्ट किया है, दो का रेट है। अब यहाँ पर आप देखिए बाय नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे उससे पहले यहाँ पर देखिए व्यू सेलर डिटेल होता है। तो आज जब इसको क्लिक करेंगे व्यू सेलर डिटेल पे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे, अभी तो यहाँ से दो आ रहे हैं, हो सकता है इसके अंदर 10, 12, 15, 20 बहुत सारे आए। और ये एक तरह से यहाँ पे क्या होगा, ये मिलेगा आपको सेलर प्राइस ऑफर डिलीवरी लोकेशन। डिलीवरी लोकेशन आपको देखना है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो हमने ये सिलेक्ट किया है, इस बंदे को हमने जो सिलेक्ट किया है वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि ऑल इंडिया में ये डिलीवर करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको स्टेट मिल जाएगा, अदर स्टेट भी मिल जाएगा। जैसे ये सेलर है यहाँ पे देखिए चंडीगढ़ है, तो ये क्या है, स्टेट बता रहा है कि ये जो सेलर है ये चंडीगढ़ में ही डिलीवर करेगा। लेकिन ये आपको आपको काम किस पे करना है, जहाँ पे ये बटन आपको मिले। ठीक है, यानी कि हमने जो ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये देखिए हमने जो ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है यहाँ पे हम व्यू सेलर पे करते हैं, तो इसका मतलब ये जो बटन आ रहा है ये बंदा है ऑल इंडिया में डिलीवर करेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, यहाँ क्वांटिटी भी दिखा रहा है, 5 क्वांटिटी है इसके पास। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है आपको कि यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करने से पहले ये जरूर एक बार चेक कर लेना है कि ये किस स्टेट का है, स्टेट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट सर्च करने की बात। अब दोस्तों मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बिडिंग का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा आपको, बताऊंगा कि आप बिडिंग किस तरह से कर सकते हैं, बिडिंग करने का तरीका क्या है, और जो है बिडिंग का पूरा प्रोसेस मैं उस वीडियो में समझाऊंगा।